सो गाइस, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज़ के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है एक थ्योरम को डिस्कशन करेंगे। ये जो थ्योरम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और साथ ही साथ ईजी भी है। मैं इसको पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को ईजी वे में एक्सप्लेन करने की। ठीक, तो थ्योरम मैंने लिख लिया है यहाँ पर, देखते हैं कि थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो क्या है। टू शो दैट द सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशंस आर कन्वर्टेबल। सो इस थ्योरम को मैं एक्सप्लेन करने से पहले और इसको प्रूफ करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस के मैंने जो है एक वीडियो लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि सेंटर ऑफ सस्पेंशन क्या होता है और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों के साथ ये भी डिस्कशन किया था कि कंपाउंड पेंडुलम जो है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, और साथ ही साथ कंपाउंड पेंडुलम के जो टाइम पीरियड होता है उसके हेल्प से हम जो है कैसे एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ वीडियो लेक्चर है जिसमें दो वीडियो लेक्चर मैंने कवर किया था, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा, वहां से आप लोग एक बार उसको जरूर देख ले ताकि ये वाला जो लेक्चर है वो आप लोगों को ईजी वे में समझ में आए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोगों को जानना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है और सेंटर ऑफ सस्पेंशन क्या होता है। अगर ये दो वर्ड आप जान गए तो आप लोगों को ये जो वीडियो लेक्चर है वो प्रॉपर वे में समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए यहां पर इस थ्योरम में हमें ये शो करना है कि किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ जो सस्पेंशन होता है और जो सेंटर ऑफ ऑसिलेशन होता है वो हमारा जो है कन्वर्टेबल होता है, या फिर हम यहां पर ऐसे बता सकते हैं कि रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल, ठीक, कहना क्या चाह रहा है थ्योरम, देखिए मैं थोड़ा सा यहां पर एक्सप्लेन आप लोगों के लिए कर देता हूं कि जैसे है हमारे पास सपोज दैट की एक स्ट्रिंग है, एक जो है पेंडुलम है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब यहां पर हम लोगों ने देखा था कि ये जो है इसका है सेंटर ऑफ सस्पेंशन। ठीक, ये जो ओ हम अगर इस पॉइंट को माने तो जहां ये परपेंडिकुलर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट करता है, ठीक है, तो ये है आपका सेंटर ऑफ सस्पेंशन। ठीक, सेंटर ऑफ सस्पेंशन, और ये जो पॉइंट हमारा होता है ये हमारा होता है सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। ठीक, तो होप कि आपको सेंटर ऑफ सस्पेंशन इस वीडियो थोड़ा बहुत जो है कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो गया है, सेंटर ऑफ सस्पेंशन क्या होता है, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है। अब कहा यह जा रहा है कि अगर ये अगर हमारा सेंटर ओ डैश और इसको हम मान लेते हैं ओ है, तो अगर मैं ओ डैश को ऐसे कर देता हूं, देखिए ओ डैश और ओ, अब यहां पर क्या है, ये है हमारा सेंटर ऑफ सस्पेंशन और ये है हमारा सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। तो मैं अगर पहले वाले केस की बात करूं, ओ को अगर मैं सेंटर ऑफ सस्पेंशन बना दूं और ओ वन को अगर मैं सेंटर ऑफ ऑसिलेशन बना दूं तो दोनों ही कंडीशन में ये एक दूसरे के रिवर्सिबल होता है, कहने का मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम चाहे इसको हम सेंटर ऑफ जो है ऑसिलेशन बना दें या फिर इसको हम सेंटर ऑफ सस्पेंशन बना दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर भी हम दो केस पर डिस्कशन करेंगे और लास्ट में यही चीज आप लोगों को बताएंगे कि ये जो दोनों हमारे सेंटर ऑफ सस्पेंशन होता है या फिर सेंटर ऑफ ऑसिलेशन होता है दोनों क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ठीक, रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि हम दोनों को रिवर्स कर दें, समझ में आ। तो दो केस पर डिस्कशन करेंगे। सो चलिए देखते हैं इसका हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं। सो देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए, मैं पूरा प्रॉपर वे में आप लोगों को लिखा करके करवा रहा हूं ताकि आप लोग इसको प्रॉपर वे में नोट कर सको और एग्जाम में अच्छे से लिख भी सको। तो देखिए यहां पर क्या है, इफ ओ, मैं यहां पर जो लिखा है, मैंने जो लिखा है इसका क्या करूंगा, स्टडी करूंगा साथ ही साथ समझाऊंगा और आपको एक डायग्राम वे में समझा दूंगा। ठीक है, इफ ओ इज द सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड ओ वन इज द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे इन्होंने बताया है, हम जो है एक ओ पॉइंट मानेंगे जो कि हमारा क्या है, सेंटर ऑफ सस्पेंशन है। सस्पेंशन का मतलब है कि जहां से हम किसी भी स्ट्रिंग को या फिर किसी बॉडी को क्या करते हैं, हैंग करते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट से मैं एक स्ट्रिंग को हैंग कर रहा हूं तो ये सस्पेंशन वाला पॉइंट हो जाएगा, समझ में आ, सेंटर ऑफ सस्पेंशन होगा। एक्चुअली में दोनों ही सेंटर सेंटर ऑफ सस्पेंशन, और जो नीचे वाला एकदम एंड पॉइंट होगा वो हमारा होगा सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। क्यों? क्योंकि वो पार्ट जो है क्या करता है, ऑसिलेट करता है। तो आप ये चीज समझ सकते हैं। तो हमने ओ को मान लिया है कि क्या है, हमारा सेंटर ऑफ सस्पेंशन है, एंड ओ वन इज द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, और ये ओ वन जो है हमारा क्या है, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन है। दोनों को मान लिया। अब यहां पर हम क्या कर देंगे, सपोज दैट कि हम इसको क्या कर देते हैं ऐसे, है ना, ये हमारा मान लीजिए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है ऐसे हम बोल सकते हैं।
जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो वो हमारा है ओ, समझ में वो हमारा क्या है ओ है। और हम यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं जो कि इसका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो जी हमारा जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा तो देखिए अब क्या बताया यहां पर, देन ओ ओ वन इज इक्वल टू स्मॉल के स्क्वायर अपॉन एच, वेयर K is the radius of gyration of the body। ये चीज़ आप लोगों को पता है, मैंने प्रीवियस की वीडियो लेक्चर में भी आप लोगों को ये चीज़ बताया था कि एक सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम होता है, उसका जो लेंथ होता है OO1 जो वो हमारा होता है K square upon H, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। OO1 की अगर मैं बात करूँ ये लेंथ होता है हमारा, तो ये जो है हमारा वो K square upon H होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, वेयर K इज द रेडियस ऑफ gyration ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस थ्रू ओ, तो ये एक एक्सिस है हम मान लेते हैं, देखिए यहाँ से थोड़ा सा रफ करता हूँ अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये हमारा एक्सिस है, ठीक, इसको हम मान लेते हैं ओ। तो इस ओ एक्सिस के थ्रू जो है हमारा के क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन है, और ओ ओ वन जो है हमारा क्या है के स्क्वायर अपॉन एच हो जाएगा, ठीक। अब हमें शो क्या करना है, देखिए वी वॉन्ट टू शो दैट इफ वी सस्पेंड द बॉडी ओ वन इंस्टेड ऑफ फ्रॉम ओ, देखिए अब क्या करते हैं, अगर इस ओ वन को सस्पेंड करते हैं, ठीक, हैंग करते हैं किसके इंस्टेड, देखिए इसके समक्ष, ठीक, ओ के समक्ष, मान लीजिए यहां पर हम जो है सस्पेंड करते हैं इसको ऐसे इस टाइप से जो है, तो ओ वन ऊपर आ जाएगा और ओ जो है हमारा नीचे आ जाएगा, तो इस कंडीशन में हमारा जो ओ वन बन जाएगा वो हमारा सेंटर ऑफ क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ जो है सस्पेंशन बन जाएगा, और जो ओ बन जाएगा क्योंकि ओ डाउन में आ जाएगा तो ओ हमारा जो है सेंटर ऑफ ऑसिलेशन बन जाएगा। तो वही चीज यहां पर कहा है, वी वांट टू शो दैट इफ वी सस्पेंड द बॉडी ओ वन इंस्टेड ऑफ फ्रॉम ओ देन द बॉडी विल स्विंग विद द पॉइंट ओ, तो बॉडी जो है ओ पॉइंट के थ्रू क्या करेगा, स्विंग करेगा। कहने का मतलब, स्विंग करने का मतलब ये पॉइंट जो है यहां आ जाएगा, केस कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिए ये ओ वन ऊपर आ जाएगा और ये ओ हो जाएगा, तो ऑसिलेट करने वाला जो पॉइंट होगा सेंटर ऑफ ऑसिलेशन ये, तो स्विंग कौन करेगा, ये जो है ऑसिलेट करेगा, ठीक है, सही कर देते इसको, एज इट्स सेंटर ऑफ ऑसिलेशन, तो ओ हमारा जो है सेंटर ऑफ ऑसिलेशन बन जाएगा। लेट कैपिटल के बी द रेडियस ऑफ जायरेशन एंड द बॉडी ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस थ्रू जी, देखिए अब हम क्या करेंगे, के को हम कैपिटल के को रेडियस ऑफ जायरेशन यहां पर जो है लेट कर रहे हैं। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए, एक्चुअली में ये भी हमारा रेडियस ही होता है, ठीक, ये भी हमारा क्या होता है रेडियस ही होता है। तो के को हम रेडियस ऑफ जायरेशन मानेंगे ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस थ्रू जी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस जी से पास होते हुए जो है हम क्या कर लेंगे, एक पैरेलल एक्सिस यहां पर जो है खींच लेंगे, ठीक है, ये सपोज कि ऐसा दिखेगा ये कुछ पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए आप लोगों ने एक पैरेलल एक्सिस का थ्योरम पढ़ा होगा, पैरेलल एक्सिस का थ्योरम जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो जो कॉन्सेप्ट यहां पर मैंने लगाया है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए आप लोगों को पता है पैरेलल एक्सिस का थ्योरम क्या होता है कि भाई जो बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो एम के स्क्वायर किसके लिए, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हम इसको लेट कर ले तो इस पूरे बॉडी के लिए जो है एम के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, इज इक्वल टू किसका समेशन होता है एम के स्क्वायर, जो ये वाला एक्सिस हमने माना है और ये जो बॉडी हम यहां पर लिए है, मान लीजिए कोई बॉडी है तो वो उसका जो मास है वो टोटल मास क्या है बॉडी का, वो आपका मान लीजिए कि एम है, कैपिटल एम है। तो इस पॉइंट के थ्रू जो रेडियस ऑफ जायरेशन होगा, देखिए इस पॉइंट के थ्रू जो रेडियस ऑफ जायरेशन होगा यहां से यहां तक, ठीक, जो स्मॉल के है ना, स्मॉल के जो है यहां से यहां तक की बात किया जा रहा है, ठीक, यहां से यहां तक, तो जो हमारा कैपिटल के होगा वो यहां से यहां तक की रेडियस ऑफ जायरेशन बताएगा, तो क्या होगा इन दोनों का समेशन हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से यहां तक की बात मैं अगर करूं इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस G से पास होने वाले एक्सिस के लिए मैं अगर बात करूं तो ये हो जाएगा M कैपिटल के स्क्वायर प्लस मास इनटू जो भी हमारे दो एक्सिस होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस होता है। तो यही कहता है पैरेलल एक्सिस का थ्योरम। तो दो एक्सिस, दो पैरेलल एक्सिस क्या है हमारे पास, यही है ना, ये दो पैरेलल एक्सिस है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर हम यहां पर ले लेते हैं। तो होप कि पैरेलल एक्सिस का थ्योरम का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर है, अगर नहीं है मैं यहां पर लिख देता हूं बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है।
पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब देखिए यहाँ से m, यहाँ से m, यहाँ से m, ये सारे कॉमन आ जाएंगे तो बचेंगे क्या हमारे पास, स्मॉल k स्क्वायर। थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है यहाँ पर आप लोगों को, तो इसको स्मॉल k है, ये स्मॉल k हम करेंगे, स्मॉल k स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से बचेगा कैपिटल k स्क्वायर प्लस og का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये जो कैपिटल स्मॉल k स्क्वायर है, हम देखिए अगर यहाँ से इसको एनालाइज करें, दोनों साइड में अगर मैं क्या कर दूं, h से डिवाइड कर दूं, तो उस कंडीशन में मुझे क्या मिल जाएगा। चलिए आगे इसको सॉल्व आउट करते हैं। अब देखिए यहां तक हमारा जो है आ गया था, ठीक, स्मॉल k स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल k स्क्वायर प्लस og का होल स्क्वायर। अब देखिए स्मॉल k, स्मॉल k का जो वैल्यू था वो मैंने आप लोगों को बता रखा है, क्या था, स्मॉल k स्क्वायर अपॉन h जो है वो हमारा o o1 था, यही तो था ये वाला लेंथ। तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, अगर मैं दोनों साइड में h से डिवाइड कर दूं, देखिए h हमारा क्या होता है वो भी आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों ने प्रीवियस का वीडियो नहीं देखा है तो कंफ्यूजन हो सकता है। h हमारा होता है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वहां तक का डिस्टेंस होता है h, ठीक है, h होता है। और रेडियस ऑफ डायरेक्शन की जो मैं बात कर रहा हूं वो यहां से यहां तक है स्मॉल के, और यहां से यहां तक हमारा कैपिटल के है। तो आप ऐसे इस चीज को समझ सकते हैं, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए एच से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड में तो क्या आ जाएगा, के स्मॉल के स्क्वायर अपॉन एच इज इक्वल टू कैपिटल के स्क्वायर प्लस ओजी होल स्क्वायर अपॉन एच। अब देखिए के स्क्वायर अपॉन एच को मैं क्या लिख सकता हूं, जो कि मैंने आप लोग को बता रखा था ओ ओ वन होता है, इज इक्वल टू कैपिटल के स्क्वायर प्लस ओजी होल स्क्वायर अपॉन ओजी, ठीक, क्योंकि ये जो एच है देखिए एच यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये OG है आपका। अब मैं क्या कर दूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो O O1 into OG is equal to K square plus OG square। अब हम क्या करेंगे, K square का वैल्यू निकाल लेते, is equal to क्या आ जाएगा, O O1 OG minus OG whole square। अब देखिए OG यहां पर है, OG यहां पर है, तो यहां से हम क्या कर लेंगे, दोनों में से कॉमन उठा लेंगे, फिर क्या आ जाएगा, यहां बच रहा है हमारा O O1 minus यहां से बच रहा है हमारा OG, क्योंकि स्क्वायर है तो एक टर्म यहां पर बच जाएगा। अब के कैपिटल के स्क्वायर इज इक्वल टू ओ जी इन टू ओ ओ वन माइनस ओ जी। देखिए ओ ओ वन, मैं अगर इस पूरे डिस्टेंस की बात कर लूँ, इस पूरे डिस्टेंस की बात करूँ और उसमें से मैं जो है क्या कर दूँ, ओ जी को घटा दूँ, ओ जी क्या है, ये है, तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक मैं हटा दूंगा तो क्या मिल रहा है हमारे पास, देखिए जी और ये वाला ओ वन, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ओ जी वन, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ओ वन जी, ठीक है, ओ वन जी मिल जाएगा। तो होप कि यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखिए ये कौन सा कंडीशन था जब हम इसको एनालाइज कर रहे थे, लेकिन अब यहां पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे, देखिए ये हमारा ओ, ये हमारा ओ वन था, ठीक है, और ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी था। तो मैं अब क्या करूंगा, इसको चेंज करूंगा। चेंज कैसे करूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा, O1 कर दूंगा, और ये जो हमारा O1 था मैं इस O1 को क्या कर दूंगा, O2 कंसीडर कर लूंगा, एक टाइम के लिए O2 कंसीडर करूंगा। और बाद में ये चीज हम यहां पर देखेंगे कि जो O2 है वो हमारे O का इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं अगर उसको रिवर्स करूंगा तो O नीचे आ जाएगा और O1 ऊपर आ जाना चाहिए। तो O और O2 को हम देखेंगे कि दोनों ही हमारे क्या है, अलग अलग नहीं है, वो इक्वल है, वो कन्वर्टेबल है। तो देखिए यहां से अब हम जो है सिमिलरली इसमें भी हम पैरेलल एक्सिस का थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो जब हम इसमें पैरेलल एक्सिस का थ्योरम अप्लाई करेंगे, नाउ व्हेन द बॉडी स्विंग्स अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्रू ओ वन लेट ओ टू बी द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। तो हम क्या करेंगे, देखिए ओ टू को हम क्या कर लेंगे, यहां पर सेंटर ऑफ ऑसिलेशन क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। We have similarly, तो similarly जो condition हमने पहले पढ़ा था, condition क्या था, यहाँ पर ये O था और ये वाला O1 था, और ये वही देखा था हमने कि ये center of gravity G है और ये axis of rotation है, ठीक है। तो इस केस के लिए equation first आया था, क्या आया था, जो k square का value है वो हमारा OG, OG into O1G, O1G। तो अगर मैं इस केस की बात करूँ, है तो वही बॉडी है ना, वही पैरेलल एक्सिस का थ्योरम आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको सिमिलरली ऐसा ही मिलेगा। क्या मिलेगा, देखिए के स्क्वायर इज इक्वल टू ओजी था, तो ओजी के जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, ओ वन जी इंटू ओ वन जी। तो ओ वन जी का मतलब यहां से यहां तक, तो ये जी ओ टू आ जाएगा, जी ओ टू आ जाएगा, ठीक।
तो इसको हम अगर इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले और अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए चेंज क्या करना है, के स्क्वायर इज इक्वल टू ओ वन जी को मैं बाद में लिख लेता हूं और यहां से ओ टू जी लिख लेता हूं इनटू ओ वन जी लिख लेता हूं, और इक्वेशन सेकंड इसको ना मान करके सेकंड इक्वेशन में मानता हूं इसको। ठीक, तो सेकंड इक्वेशन में जब इसको मानूंगा और मैं इन दोनों को क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। देखिए इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को क्या करता हूं, मैं कंपेयर करता हूं। तो कंपेयर करने से क्या मिल रहा है, देखिए जी ओ वन जी फर्क किसमें आ रहा है, ओ टू ओ। तो ओ टू हम यहां पर लिख सकते हैं कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो सेकेंड को जब कंपेयर करेंगे तो ओ जो है O2 के इक्वल आ जाएगा, और जो O2 है वो क्या यहाँ पर वही O1 वाला सिस्टम आ जा रहा है ना, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया था, रिवर्स किया था है ना, चेंज किया था। ठीक है, तो देखा हम लोगों ने कि दोनों ही जो पॉइंट है वो हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं हेंस द सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ऑसिलेशन आर कन्वर्टेबल, या फिर आप लिख सकते हैं रिवर्सेबल। तो इतना आप जरूर लिख दीजिएगा लास्ट में स्टेटमेंट को यहाँ पर। ठीक है, हेंस सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ऑसिलेशन आर कन्वर्टेबल। तो होप कि आप लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो थ्योरम है, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।